जिला सचिवालय में आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आज के कैबिनेट के में आजादी के दिन 23 कैदियों को रिहा करने का प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही इस दौरान लीगल माइनिंग पर भी चर्चा की गई। बैठक में फैसला किया गया कि सरकार की ओर से लीगल माइनिंग में बढ़ावा किया जा रहा है, जिसके लिए पंजाब में पहली बार डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट टेस्ट होने जा रहा है, जिससे पता चल सकेगा कि कहां कहां माइनिंग की जा सकती है। और इसी के साथ ही कई और अहम मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमनप्रीत कौर हमारे साथ मौजूद हैं। अमनप्रीत, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए आज की कैबिनेट बैठक की, तो कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, चाहे आजादी में कैदियों को रिहा करने की बात हो या फिर लीगल माइनिंग की हो। देखिए, पंजाब सरकार ने पिछली बैठक हुई तो उसमें कुछ कैदियों को रिहा करने की बात की कही थी, लेकिन आज उस पर मोहर लग चुकी है। 15 तारीख यानी कि जिस दिन आजादी का महोत्सव मनाया जाएगा और फिर उनको रिहा किया जाएगा। लेकिन इससे जो इसके साथ एक बड़ा फैसला जो चेकिंग की जाएगी कि माइनिंग जो हो रही है किस तरीके से उसको रोकथाम की जा सके। माइनिंग पॉलिसी में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, उसके साथ ही साथ कुछ रेट को बदलाव कर दिया गया है। जो पिछली सरकारों ने जो रेट तय की 5.5, उसके अंदर भी पारदर्शिता लाने के लिए उसके अंदर भी सरकार की तरफ से बड़ा फेर बदल किया गया है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो क्रेशर थे जिनका पहले सिर्फ 10,000 में मिल जाते तक, उसका रेट बढ़ा के सरकार ने 1,00,000 कर दिया है। और 1,00,000 करने के बाद सरकार ने ये बात भी बोली है कि उनको जो इंश्योरिटी है वो 5,00,000 सरकार के पास उनको जमा करवाने पड़ेंगे पहले थोड़ा सेफ साइड के लिए। यानी कि तमाम जो आज फैसले जो लिए गए, मेन तो जो कि लीगल माइनिंग को जो रोकने के लिए जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो एक कमेटी जो बनाई गई है, जो अब DSO सारी चेकिंग करेंगे और जो प्रेशर के ऊपर, क्योंकि अगर लीगल माइनिंग तब ज्यादा बढ़ती तो प्रेशर सब के धड़ल्ले से इस्तेमाल होता था। हालांकि हरजोत बैंस जो कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई मीटिंग्स भी हुई है, हालांकि इसमें बहुत सारा माफिया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो माफिया नहीं करते थे। तो आज के जो सत्र की बात की जाए तो यही दो बड़े फैसले लिए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो लीगल माइनिंग को लेकर यहाँ पर बड़ा फैसला पंजाब की कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसी के साथ 23 कैदियों को रिहा करने पर भी मुहर लगी।